वार्निंग, चेतावनी, हमेशा की तरह जिसकी फटती है वो ना देखे। मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से निकाली है उसके मुताबिक पहले जब इंसान को डायबिटीज़ होता है तब 1 से 1.5 महीने तक उस इंसान को पता ही नहीं होता कि उसको कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं, लेकिन धीरे धीरे इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण दिखने लगते हैं। जैसे एक मकान उदाई को धीरे धीरे खा जाती है, वैसे ही डायबिटीज़ हमारे शरीर को धीरे धीरे चबा जाता है। डायबिटीज़ होने के बाद आप ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएंगे, आपको थकान महसूस होगी, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से इंसान का शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है। डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर दवाइयाँ देना शुरू कर देंगे और इससे भी बदतर और ख़तरनाक इंसुलिन। फिर भी डायबिटीज़ आपके शरीर में खुद काम करना बंद नहीं करेगा। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे आपकी दृष्टि कमज़ोर पड़ने लगेगी, क्योंकि ज़्यादा शुगर बढ़ने की वजह से रेटिना और लेंस को नुकसान होता है, जिसके कारण आप अंधे भी हो सकते हो। डायबिटीज़ का सीधा असर आपकी किडनी पर होगा, जिसकी वजह से किडनी डायलिसिस पर जा सकती है। जिसको नहीं पता उसको बता दूँ, डायलिसिस का मतलब किडनी फेल हो जाना, तब समझ लियो बेटा लगने वाली है और हॉस्पिटल के दर्शन आपको हर रोज होंगे। मेडिकल साइंस की रिसर्च के मुताबिक अगर किडनी एक बार डायलिसिस पर चली जाए तो भाई इसे ठीक करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। कुछ टाइम बाद आपका शरीर सुन्न होने लगेगा, बदन दर्द होगा और पता नहीं क्या क्या बकचोदी आपके शरीर में खलबली मचाने लगेगी। बॉडी के कॉम्प्लिकेशन बढ़ने लगेंगे, जैसे कि पैर का अल्सर। इस अल्सर की वजह से कई लोगों को अपने पैर कटवाने पड़े हैं। आपका भी नंबर आ सकता है, ध्यान रखियो। डायबिटीज़ इंसान का खतरनाक दोस्त बन गया है कि आपकी ज़िंदगी की अंतिम समय तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा, और इसका साथ इतना महंगा है ना कि दिन में तारे तो क्या चांद भी दिखा देगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसकी चपेट में कभी ना आए, इसीलिए मैं अगली वीडियो में डायबिटीज़ से कैसे बचा जा सकता है उस बारे में बताऊँगा। हमारा साथ यही तक था। वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोको, अगर पहली बार टपके हुए चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।